डॉगी अक्सर कुछ घंटों के लिए हो जाता था गायब। फिर एक दिन मालिक ने किया उसका पीछा। तो आज तक आपने सुना होगा कि दोस्ती केवल इंसानों में ही होती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी विश्वास नहीं कर पाओगे। जी हाँ, आयरलैंड के एक खूबसूरत द्वीप की एक फैमिली के लोग अपने डॉगी की वजह से परेशान थे। ये डॉगी रोज रोज घर से घंटों गायब रहता और काफी देर बाद घर लौटता। डॉगी के मालिक ने जब पूरी बात पता लगाने के लिए एक दिन इस कुत्ते का पीछा किया, हकीकत जानकार मालिक खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। दरअसल कुत्ता रोज अपनी एक डॉल्फिन मछली दोस्त से मिलने जाता था। दोस्त से मिलने टोरी आइलैंड में स्थित एक गांव में रहने वाला परिवार अपने लैब्राडोर प्रजाति के डॉगी की वजह से परेशान था। बेन नाम का यह डॉगी रोज रोज घंटों तक घर से गायब रहता था। पर बेन के गायब रहने की हकीकत जब सामने आई तो ये रातों रात स्टार बन गया। दरअसल इस फैमिली ओनर ने एक दिन जब कुत्ते का पीछा किया तो पता चला कि यह पास ही के बंदरगाह पर जाकर गुम हो जाता है। यहाँ पर यह कुत्ता घंटों पानी में तैरता। इतना ही नहीं, कभी कभी वो तैरने से पहले पानी के बाहर खड़ा किसी का इंतजार भी करता और उसके बाद पानी में तैरने लगता। बेन का ओनर इस मामले को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जल्द ही यह सच्चाई सामने आ गई। दरअसल बेन यहाँ अपनी एक खास दोस्त से मिलने आता था। यह दोस्त पानी में रहने वाली एक डॉल्फिन मछली थी। आसपास के लोगों ने कई बार देखा था कि बेन और डॉल्फिन साथ में तैरते रहते थे। यहाँ किस्तान के लोग इन दोनों की दोस्ती को देखकर आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते थे। पर यह बात सभी के समझ से परे है कि एक कुत्ते और डॉल्फिन की दोस्ती कैसे हुई।